हाय, कैसे आप सब लोग। मैं देवोत्तर अग्रवाल, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और एक चैनल पे बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो टेक्नीशियन अभी भी ये मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपडेट क्यों लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 8650 ले लो, आप 861 भी ले सकते हो, आप 2008 ले सकते हो, बहुत सारी मशीनें उसके ऊपर थी चैनल वाली, तो आपको उस पर क्यों अपडेट होना चाहिए। तो इसका मैं प्रैक्टिकल लॉजिक रीज़न आपको देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दो टिश्यू पेपर लिए हैं, दोनों की हीटिंग समझते हैं हम। इसको समझते हैं कि ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, और टेम्पर बोर्ड है। अब हम इसको सबसे पहले इस मशीन को देखें, तो इस मशीन में हमने क्या किया, 370 पे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एयर जो रखी है वो 60 पे रख दी, देखिए है ना, 66 पे। अब नोजल देखिए, सेम नोजल डायरेक्ट, मैं इसमें भी वही वाला नोजल यूज़ करूँगा। और अब मैं क्या करता हूँ, साथ में एक स्टॉप वॉच यूज़ करता हूँ। नोटिस कीजिएगा, ये स्टार्ट हो गया, तो आप देखते जाइए। देखिए अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ है, कालापन हो गया। 30 सेकंड तक देखेंगे तो देखो 11 सेकंड में कितना कालापन हो गया है। मतलब ये रीज़न होता है बोर्ड को टेम्पर करने का, बोर्ड फुलाने का, क्यों आप वीवो ओप्पो के बोर्ड में सीपीयू निकालते समय, एमएमसी निकालते समय बोर्ड फूल जाता है। ये देखो पूरा काला पड़ गया है, अब नोटिस करो, 30 सेकंड डन। अब सेम ये वाली मशीन लेंगे, इधर देखिए, और इस पर 370 कर देंगे और 60 है, देखो सेम जो यहाँ रखी थी। और इस पर जो नोजल रखेंगे वो भी बिल्कुल वैसा सीधा वाला। तो ये नोजल है हमारा, ये देखिए, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, डायरेक्ट नोजल है। तो पहले हम इसको लाने देते हैं, जैसे हमने उसको भी लाने दिया था, हम इसको भी 370 से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टेम्परेचर जो चल रहा है, रियल टेम्परेचर ये है हमारा, ये हमने सेट किया है और ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पहले स्टार्ट कर देते हैं, चलिए। तो देखिए 10 सेकंड हो गए हैं, पर उतना नहीं हुआ जितना उधर हुआ था, फिर भी हम देख रहे हैं। नोटिस कीजिए, देखिए 30 सेकंड होने वाले हैं ये। अब दोनों में अंतर देखिए, ये है दोनों का अंतर। तो क्यों नहीं फूलेगा आपका बोर्ड, तो अगर आपको अपडेट होना है तो होइए, ये मशीन लेकर मत बैठिए ज़िंदगी भर, इस मशीन में स्विच हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपडेट नहीं होंगे, आप अगर एक ये सोचेंगे कि 10 रुपये के ब्रश से आप एक लाख रुपये का फ़ोन बना देंगे, तो ये सोच गलत है। आप अपने फ़ोन में, आप आपके जेब में जो फ़ोन है वो 5G क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो भी 2G यूज़ कीजिए। आप एडवांस है तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कोई चीज़ बनी है तो उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। और आप अगर अपनी टूल, अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे तो आप मूर्ख हैं, बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं। तो या तो आप मूर्खों की बात सुन लें, या तो आप मशीन को यूज़ करें और एडवांस मशीनों को यूज़ करते जाएं, समय समय पर अपने टूल अपडेट करें, समय समय पर वो टूल की जानकारी लें, समय समय पर अपने काम की अपडेट लें और समय समय अपने काम की जानकारी लें और एक गुरु बनाएं अपने। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, यूट्यूब से एक सलूशन मत उठाइए, कोई वीडियो आया तो यूट्यूब के सारे दुकान मत चलाइए, अपनी प्रॉपर एक सलूशन निकालिए। जो ये सलूशन निकाल के दे रहे हैं, इन्होंने कहाँ से सीखा, वो लाइन पकड़िए। अगर आप उस लाइन को पकड़ेंगे, आप भी सीखेंगे, तो आप भी कल को किसी के गुरु बन सकते हैं। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में एक काम ज़िंदगी भर नहीं करना, उसके एक और लेवल का काम होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो जिनको मेरी बात सही लगती है और जिनको मेरी बात लगती है कि मैं सही कह रहा हूँ, आप लोगों की भले की बात कर रहा हूँ, तो कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा बताएं, और किसके पास कौन कौन सी SMD है मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की।
जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म।